एक बार फिर तैयार है गेंदबाजी विशाले। इस बात पर की गेंद किनारा लगा था लेकिन निकल गई है सेकंड स्लिप के आसपास से। पहली गेंद भी ड्रॉ किया है फील्डर ने और गेंद भी सीमा रेखा के पार गई है 4 रन के लिए। वो आउट ऑफ स्टेट से खिला सकते हैं यहां पे। किनारा 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 और ये लगा है किनारा पहला विकेट मिला है यहां से थोड़े को देर से। मोदी साहब बिल्कुल तालियों के साथ स्वागत करते अपने गेंदबाजों का अभिवादन करते हुए। इस बार छोटी गेंद गली का फील्डर आ गया है नीचे भाई। दूसरा विकेट आ गया है। निकली थी व्हाइट गिल्ली जहां पे व्हाइट लाइन बनी हुई है प्रॉपर। इस बार गेंद ऊपर नीचे फील्डर आशान साकेत जी डूंगर के लिए आज कुछ अच्छा नहीं हो रहा। बढ़िया सुनी गेंदबाज अब तक है। एक बार फिर तैयार गेंदबाज शैलेंद्र। पल्टी शॉट और पल्टी शॉट में कामयाबी मिली है। इस बार बैट पे आई है काफी समय के बाद यहां से बाउंड्री आना होगा। बड़ी छक्कों पे जाना होगा। बढ़िया शॉट है। इस बार गेंद को खेला है छक्का नहीं तो चौका तो बिल्कुल बनेगा और बाउंड्री क्या हो सकता थी। एक बार फिर तैयार गेंदबाजे। इस बार आगे की गेंद थी स्लॉट में जरूर थी गेंदे और गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। बिल्कुल लॉन्ग ऑन देखते हैं अंतिम गेंदे। स्टार किंग भाई फिर बड़े शॉट का प्रयास। एक और बाउंड्री। इस ओवर की तीसरी बाउंड्री निकलती हुई अच्छी। एक बार फिर ये गेंदे। इस बार खेला है गेंद जा रही है मैक्सिमम के लिए। प्रयास किया था लेकिन चली गई 6 रनों के लिए। तो पहला छक्का इस पारी का भाई। इस बार मिड विकेट की राशि बनी रहेगी हर शतक पे 500 रुपए की राशि बैक टू बैक 3 छक्कों पे। इस बार लगा है किनारा एक आसान सा केस स्लिप के फील्डर के पास। और थोड़ी सी चर्चा करेंगे 2 जुलाई को रखा गया है वो। इस बार के ऊपर नो मेंस और 1 बाउंस 4 रनों के लिए। अच्छी शॉट निकलती हुई गेप में शॉट और 4 रनों के लिए। और इसी के साथ ही बिल्कुल गेंदबाजी एक बार फिर आए हैं रोहन। कदमों का इस्तेमाल और पीच पीच पे खड़ा कर दिया बल्लेबाज को। इस बार दीपू लेफ्टी को बैक टू बैक 3 गेंदे डॉट फेंकी थी और चौथी गेंद पे दीपू लेफ्टी का विकेट निकाला था कमल बगड़िया ने जो अभी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंद आई है स्लॉट में और डिपॉजिट कर दिया है पार्किंग लॉट में। गेंद को पहुंचा दिया है 6 रन। तो यहां से एक बार फिर बड़ा लीजिए एक और छक्का निकलता है भाई। एक और शानदार शॉट वो बल्लेबाज के लिए आ चुकी है। पहली गेंद का सामना करेंगे इरफान। पहली गेंद को खेल दिया फुल टॉस गेंद पे। क्या गजब का जोड़ यहां से। पहली बाउंड्री आती हुई देव आर्मी के लिए। पहली गेंद पे आते उड़ाया भाई यहां से पहली बार पहुंचे और पहली गेंद पे चौका निकलता हुआ बल्लेबाज एक कृष्णा के बैट से। वो भी फुल टॉस गेंद डाली थी पहली गेंद वहां पे रन नहीं बने थे। एक और ये जा रही है गेंद मिड विकेट दिशा में 1 बाउंस 4 रनों के लिए। से बैक टू बैक दूसरा और शानदार खूब से मुकाबला बना रहेगा डूंगरगढ़ 11 के लिए। बली बात ही जानती है टीम कप्तान जाकिर अली भी। चार विकेट की बात हो रही थी आ गई है विकेट। बातें हो रही थी विकेट की भाई और यहां से विकेट आ गई। एक बड़ा नाम एजाज कुरैशी लौट के आ रहे हैं डग पर। लेकिन कौन सा गेंदबाज होगा जो इस बड़ी विकेट को निकालेगा। हाँ बगासरा की टीम भी लगा है कि ना बड़ी विकेट बड़ा है। इसी की तो बात हो रही थी यहाँ से बड़ा विकेट कृष्णा साथ को लेकर रोकने निकाल देंगे। इसी बीच ये गेंदे लगा है बिल्कुल लगा है। और बेहतरीन गेंद आवाज आई इनसाइड एज लगा है। एक और बल्लेबाज बाहर की तरफ डूंगरगढ़ केवल विकेट निकालते चले जाइए और अब तक विकेटें निकाल के बताइए आपने। एक बार फिर तैयार है गेंदबाजी। बढ़िया हाँ इस बार खूबसूरत शॉट है भाई खूबसूरत शॉट कहेंगे 1 बाउंस 4 रनों के लिए। सुबह के समय तो बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इस बार अच्छा खेला है अच्छा खेला है बिल्कुल सुई में से धागा पिरोया है। क्या खूबसूरत शॉट खेला है। आज की नाइट का सबसे शानदार चौका कहेंगे तो बिल्कुल क्या बेहतरीन बाउंड्री जाएगी। लेकिन फील्डर दौड़ते गए और एक बाउंड्री के बाहर से लेके आना पड़ा फिर टूर्नामेंट है। इस बार चले गए रिवर के लिए स्विच हिट और गेंद को पहुंचा दिया है भाई आतिफ फोगनर हमारे साथ जुड़े जयपुर के एक स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी आतिफ भाई फोगनर जी हुई थी कमेंट्री के माध्यम से तब बता रहे थे कि रोड साफ सराम खेलना पसंद करते हैं और फिर खेलेंगे। बढ़िया और इस बार खेलेगा ये खिलाड़ी
क्या शानदार बैट के उस स्वीट पार्ट पे जाके लगी है, बैट के उमर गढ़ाई सामने या फिर आए देव आर्मी टीम पुणे उनके सामने, और वहां से इस मुकाबले से टॉप 16 में पहुंचने वाली रिवर्स के लिए और सफल भी है रिवर्स जबरदस्त छोड़ियां से एक और अच्छा शॉट निकलता हुआ क्या रन के लिए आता हुआ इसी चौके के साथ शानदार खाएंगे वो जैसे समय मिलेगा उनको गेंदबाजी के लिए देखते आते हैं नहीं आते बढ़िया शॉट अरे फाइनली दिशा में खेला है अच्छा शॉट भाई कोई फील्ड रहे नहीं देखते हैं रोक पाते या नहीं नहीं रोक पाएंगे भाई और चली जाएगी एक और गेंद फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए एक और खूबसूरत शॉट निकलता हुआ इस बार बल्लेबाजे शैलेंद्र के बैट से टोमेंटो के बड़े खिलाड़ी है वो टेनिस के स्टार इसीलिए नहीं कहे जाते उन्हें टेम्परामेंट है शबर है और अच्छी गेंद थी भाई विकेट कीपर गलतियां कर गए इस बार रुकनी चाहिए थी बिल्कुल भाई के रूप में यहां से भाई के रूप में बिल्कुल बैट से नहीं टकराई थी भाई के रूप में बाउंड्री बनी है क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास किया था एक बार फिर तैयार है गेंदबाजी इस बार शानदार शॉट खूबसूरत शॉट भाई कोई फील्डर नहीं है डीप अक्षता कवर पे चली गई है गेंद चार रनों के लिए खराब गेंद की उस खराब गेंद को सही नसीब दी है एक और बाउंड्री निकलती हुई बल्लेबाज शैलेंद्र के बैट से आफ्ताब पिंटू उनकी तरफ से बार और यहां से बल्लेबाज देखिए एम्पायर के डिसीजन का वेट नहीं किया चल पड़े हैं जैसे किनारा लगा अपना काम करके जा रही है बल्लेबाज शैलेंद्र बेहतरीन यहां से एक नहीं दो तीन विकेट निकालनी पड़ेंगी गुच्छे में विकेट निकालनी पड़ेंगी क्योंकि एक अच्छी साझेदारी बनी दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बार फिर और इस बार विकेट विकेट देखते हैं पकड़े गए हैं विकेट सही समय पे विकेट आ गई है इसी विकेट की तलाश थी वो विकेट निकाल के दिया और अच्छा कैच कहेंगे भाई मुंबई का टप्पा अगर आवाज पहुंच रही है तो कमेंट्री बॉक्स में हमारे जो यूट्यूबर हैं हमारे साउंड मास्टर हैं या फिर कमेंटर हैं उनके लिए चाहिए वो भेज दीजिए और गेंद को भेज दिए 6 रनों के लिए अब ये तो मुकाबला बिल्कुल अब यहां से चला गया है गजब का शॉट वाला शूट कह सकते हैं जिस अंदाज में खेला है अब देखते हैं इस गेंद पे मुकाबला समाप्त हो रहा है या फिर अगले ओवर में जाएगा क्या खूबसूरत कैच पकड़ा है भाई शॉट था लेकिन उसे बल्लेबाज को पता ही नहीं चला बिल्कुल आवाज आ रही है कृष्णा भाई की आवाज आ रही है कि कमल कमल भाई छक्का लगाइए इस तरह की आवाजें आ रही है डग आउट से प्रयास किया था बैट का किनारा लगा है 6 तो नहीं मिलेंगे 4 देखते हैं फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं मुकाबला और जीत लिया है कमल बगड़िया के बैट से निकली है बाउंड्री और जीत वाली बाउंड्री निकली है मुकाबले को जीत लिया यहां से टीम ये मुकाबला जीत लिया है 32वीं जगह बना चुकी है देव आर्मी टीम पुणे अब अगला मुकाबला खेला जाएगा साथ ही मिलते हैं अगले मुकाबले में कुछ इसमें बाद और उसी मुकाबले में इस मैच का जो मेन मैच है वो भी आपको